नेहरू पार्क में निकला रसल वाइपर, सर्प मित्र ने पाया काबू, बच्चों और अभिभावकों में दहशत का माहौल। बैतूल, मामला बैतूल नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नेहरू पार्क का है। नेहरू पार्क में आज शाम करीब 6 बजे के लगभग केनाल के किनारे एक रसल वाइपर जहरीला सांप दिखा, जिसके बाद प्रबंधक द्वारा रखे गए चपरासी के द्वारा तत्काल नगर पालिका कर्मचारियों को फोन किया गया। कर्मचारियों ने सर्प मित्र जमाल को फोन किया। जमाल खान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर रसल वाइपर पर काबू पाया। वहीं जमाल खान ने बताया कि रसल वाइपर जहरीला सांप होता है, जो कि अजगर की तरह दिखता है। लोग इसे अजगर समझकर इसके पास चले जाते हैं और इसके काटने से आदमी के हाथ पैर और शरीर में सूजन से आ जाती है और अंत में मृत्यु हो जाती है। इसलिए सजग रहें और ऐसे सांपों से दूर रहें, और सांप के काटने पर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे या फिर क्लिनिक पर पहुंचकर तत्काल इसका इलाज कराएं। हालांकि सांप पर काबू पाकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। कहा था कि नेहरू पार्क कैनाल फवारे के अंदर एक रसल वाइपर आ गया है, जिसका रेस्क्यू करने हम यहां आए थे, जिसे अभी पकड़कर अपने साथ ले जा रहे हैं। अब हम इसे जंगल ले आकर छोड़ देंगे। ये बहुत विषैला होता है। अधिकांश लोग इसे अजगर समझकर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि इसका कलर भी अजगर जैसा होता है और प्रिंट भी अजगर जैसे ही होते हैं, मगर कुछ अलग होते हैं। सामान्य लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते। ये बहुत जहरीला होता है। इसके काटने पर इंसान WWF की तरह फूल जाता है। जब तक पूरी बॉडी फूलेगी नहीं, जब तक ये मरेगा नहीं। इतना जहरीला होता है और सही इलाज मिलने पर ही इससे बचता है, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। मेडिकल ट्रीटमेंट जितने जल्दी मिलेगा उतने जल्दी ठीक होगा, जितना लेट मिलेगा बहुत मुश्किल है इसका फिर बचना। अगर लेट ट्रीटमेंट मिलता है तो इसे कम से कम आधे घंटे में इलाज मिल जाना चाहिए, सही इलाज।